दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रिंकू मौर्य है और आप सभी का इन्वेस्टिंग विद मौर्य जी चैनल के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है, कोई ऐसा फंड बताइए जिसमें कि हमें ज़्यादा रिस्क लेना न पड़े और हमें एक रिटर्न भी एक अच्छा देखने को मिल सके। तो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, तीन कैटेगरी के इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वो इन्वेस्टर आता है जो एग्रेसिव कैटेगरी का होता है। एग्रेसिव का मतलब होता है कि वो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है रिस्क लेने की। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वो होता है जो कि सेफ साइड में रहना चाहता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है और वो सेफ्टी खोजता है, स्टेबिलिटी खोजता है अपने पैसे की। और तीसरा होता है मॉडरेट कैटेगरी का इन्वेस्टर। मॉडरेट कैटेगरी का इन्वेस्टर वो होता है जो ना तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करता है और ना बहुत ज़्यादा सेफ साइड में जाना चाहता है, वो एक बीच का इन्वेस्टर होता है। तो यहाँ पे इनकी रिस्क अपेटाइट भी अलग अलग हो जाती है। यदि कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो जैसे मैंने बताया कि वो हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो जो रिस्क ज़्यादा लेता है दोस्तों उसको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। यदि कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो सेफ साइड में रहना चाहता है, यानी कि वो अपने पैसे में सेफ्टी स्टेबिलिटी देखना चाहता है, तो वो लो रिस्क लेना पसंद करता है, ऐसे में उसका रिटर्न भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब यहाँ पे जो मॉडरेट कैटेगरी का जो इन्वेस्टर है, जैसे मैंने बताया कि ना बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना चाहता है और ना बहुत ज़्यादा लो रिस्क लेना चाहता है, बीच का पर्सन है, तो ये बैलेंस्ड, इनका रिस्क अपेटाइट बैलेंस्ड होता है। अब ऐसे केस में जो कैटेगरी है इन्वेस्टर की और जो इनकी रिस्क अपेटाइट है, इसके अनुसार फंड की भी टाइप डिज़ाइन की गई है। तो म्यूचुअल फंड में यदि कोई व्यक्ति एग्रेसिव कैटेगरी का इन्वेस्टर है, यानी ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करता है, तो उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बनाए गए हैं। यदि कोई कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर है जो कि सेफ साइड में रहना चाहता है, तो उसके लिए डेप्ट म्यूचुअल फंड बनाए गए हैं। अब डेप्ट म्यूचुअल फंड में सेफ्टी तो आपको मिलती है, लेकिन रिटर्न आपको फिक्स डिपॉजिट इतना ही देखने को मिलता है। वहीं पर यदि कोई मॉडरेट कैटेगरी का इन्वेस्टर है, जिसका कि जो बीच का पर्सन है, न बहुत ज़्यादा हाई रिस्क न बहुत ज़्यादा लो रिस्क, ऐसे व्यक्ति के लिए हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स बनाए गए हैं। अब हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स में क्या होते हैं दोस्तों, कुछ तो आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड्स भी मिल जाते हैं और कुछ आपको इक्विटी का भी पोर्शन मिल जाता है। तो हाइब्रिड जो फंड होते हैं उसमें कई कैटेगरी होती है, एग्रेसिव हाइब्रिड भी होता है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी होता है। तो यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमने डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला फंड जो कि हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, इसको हमने यहाँ पे चूज किया हुआ है। अब ये जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन के जो फंड होते हैं वो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं। अब बैलेंस एडवांटेज फंड जो होता है, इसमें फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि यदि उसको लगता है कि इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो डेप्ट से पैसे को उठा करके इक्विटी में डाल देगा। यदि उसको लगता है कि इक्विटी मार्केट गिरने वाला है तो इक्विटी में से पैसे को निकाल करके वो डेप्ट में शिफ्ट कर देगा। तो आपके पोर्टफोलियो को क्या करता रहता है, बैलेंस करता रहता है। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म में, और आपको एक रिटर्न भी एक अच्छे खासे रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में जो फंड हमने यहाँ पे पिक किया हुआ है वो है ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। दोस्तों यहाँ पे यदि इस फंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको जानकारी दूं, तो 2013 में मैं इसको देख रहा था, 2013 में इसकी NAV 17 रुपये की हुआ करती थी। 2013 के बाद से 2024 में जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के डेट में, तो इसकी NAV 71 रुपीज़ पे पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये 11 साल में इसकी NAV जो है 17 रुपीज़ से 71 रुपीज़ पे पहुँच चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड है और डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला फंड है, ठीक है। यहाँ पे फंड मैनेजर अपने अनुसार फंड को शिफ्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि यदि 17 रुपये से 71 रुपये की NAV यदि गई है तो क्या इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे रिटर्न बनाया है कि नहीं बनाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले 5 लाख रुपये यदि इसमें लमसम किया था, ठीक है, तो आप उसका वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, उसका जो वैल्यू है 17,61,000 रुपये बन चुका है। दोस्तों ये जो पैसा यहाँ बन रहा है, 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू 17 लाख रुपए बन रही है, तो इसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस परसेंटेज से इसने रिटर्न बना करके दिया हुआ पिछले सालों में। तो एक सालों में देख सकते हैं कि 23% का रिटर्न इसने दिया है, 3 सालों में 13.7% का रिटर्न है, 5 सालों में 13.4% का रिटर्न है, और जब से ये फंड आया है तब से इसने 13.4% का रिटर्न दिया है।
अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ये रिटर्न इतना कम क्यों है, क्योंकि लोग 15% 17% 18% की बात करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे रिटर्न निकल के आता है तब जब आपका पैसा ज़्यादातर इक्विटी में लगा होता है। जैसे मैंने बताया कि यदि आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आपका जो पैसा है वो ज़्यादातर इक्विटी में लगाया जाएगा, तो फिर रिटर्न आपको वहाँ से निकल के आएगा। लेकिन आपको रिटर्न, आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है और आपको सेफ्टी भी चाहिए, रिटर्न भी चाहिए, तो आप ऐसे फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब ICICI प्रूडेंशियल का जो बैलेंस एडवांटेज फंड में, इसको ध्यान देना है कितने लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों देखो, जिसका फंड साइज बड़ा होता है ना, इसका मतलब आप समझो कि उसमें ज़्यादातर लोगों ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और उनका भरोसा इस फंड पे ज़्यादा है। वो लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, और रिटर्न भी उनको एक अच्छा एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट अच्छा देखने को मिलता है, तो वो लोग ऐसे फंड को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यदि इस फंड का आप तो एवम आप देखोगे तो 55,000 करोड़ रुपये इस फंड में इन्वेस्ट किए गए। इसके बाद इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, तो फंड मैनेजर कितना खर्चा ले रहा है, तो 0.84% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो कि चार्ज किया जाता है। यदि आप इसमें मिनिमम लमसम की बात करो तो 500 रुपये का आप लमसम कर सकते हो। यदि आप SIP करना चाहते हो तो आप 100 रुपये से SIP इसमें आप कर सकते हो। इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे तब पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहे तब आप फंड से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जिट आप करोगे तो यहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ता है, और ये भी एक साल के अंदर यदि आप विड्रॉ करोगे तो 1% पे करना होगा। यदि एक साल के बाद आप विड्रॉ करोगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना होगा। अब दोस्तों किसी भी फंड की होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी रिटर्न आपको मिल रहा है, जो आपने भी रिटर्न देखा, वो रिटर्न इसी होल्डिंग से ही निकल के आती है कि आपका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है, या फिर जो 55,000 करोड़ का आपने एवम अभी देखा था वो पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है, उसे आपको देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका ज़्यादातर पैसा इसमें डेब्ट में रहता है, कैश में रहता है। इक्विटी में जो है मार्केट के कंडीशन के अनुसार फंड मैनेजर इक्विटी में क्या करते हैं, परसेंटेज को कम कर देते हैं। तो इस फंड में आप देख सकते हैं 43.47% इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें से कि लार्ज कैप में 38% इन्वेस्ट किया गया है। लार्ज कैप जो है सेफ कंपनियां होती हैं, जिसमें कि पैसे को ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इसलिए लार्ज कैप में ज़्यादा रखा गया। मिड कैप में 4.42% रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क यदि फंड मैनेजर लेगा तभी वो रिटर्न आपको निकाल करके दे पाएगा, ठीक है। और स्मॉल कैप में बहुत ही माइनर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लार्ज कैप और मिड कैप से यहाँ पे आपको रिटर्न निकल के आते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है। डेब्ट में 24% है और अदर्स में 32.47% है। तो कमेंट में ये सवाल आया था कि सर 2.5 लाख रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करना है और आप कोई ऐसा फंड बताएं जिसमें कि रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो, रिटर्न भी हमें सही देखने को मिल सके। तो 2.5 लाख रुपए यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले 15 साल के लिए, और रेट यहाँ पे हम 13% का लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था कि इस फंड ने पिछले 11 सालों से 13.4% का रिटर्न हर साल इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो हम यहाँ पे एवरेज एक 13% का लेकर के चल रहे हैं। फ्यूचर में आपको यदि ज़्यादा मिल जाता है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी पूरी कैलकुलेशन 13% पे ही रहेगी। तो यहां पे आपको क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, 2.5 लाख की वैल्यू अगले 15 साल में क्या देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको IND मनी की वेबसाइट पे लेके आया हूं और यहां पर मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा। लमसम हमने यहां पे 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए हमने एंटर कर दिया है और एक्सपेक्टेड रेट यहाँ पे 13% का हम लेके चल रहे हैं और टाइम पीरियड यहाँ पे 15 इयर्स का हम लेकर के चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2.5 लाख रुपए की जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 15,63,000 रुपीस आ रही है, यानी 15,63,000 रुपए अगले 15 सालों में आपके ये बन सकते हैं। यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा आप टाइम और दे देते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे 5 साल का टाइम और आप दे देते हैं, तो देख सकते हैं कि ये वैल्यू 28,80,000 रुपए आपकी बन चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे यदि इस समय आप थोड़ा सा टाइम को यदि आप और बढ़ा दें, आप इसे 25 साल के लिए यदि इस पैसे को आप यूं ही ऐसे छोड़ देते हैं, इन्वेस्टेड रहने देते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं कि
आपकी वैल्यू 53 लाख रुपए बन चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं आपका पैसा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे वर्क करता है। तो यदि आप 20 से 25 साल की एज में हैं और आपको एक अच्छी कॉर्पस बनानी है तो आप 2.5 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर के जरूर चलना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने चाहने वालों के अपने दोस्त मित्र यार को आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।